हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो बाइडेन के शपथ लेते ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को दे दिया है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बड़ा एक्शन लिया गया है चाइना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की टीम पर। बताएंगे दोस्तों क्या किया गया है चाइना की तरफ से। उससे आगे की खबर में आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण से अपने ही लोगों को कर दिया है घायल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे, जहां पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है WHO में शामिल होने का फैसला, और आगे भी बहुत सी चीजों में जुड़ने को लेकर कही है बात, बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही भारत ने पड़ोसियों को मुफ्त में दी कोरोना वैक्सीन, अब पाकिस्तान खरीदने के लिए टटोल रहा है जेब। जी दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान की बद्दी हालत, वैक्सीन तक खरीदने के पैसे नहीं है। दोस्तों बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही बताएंगे, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी वो बात कह दी दोस्तों, जिससे पूरे देश में मच गया है हड़कंप। इसी तरह की सारी बड़ी खबर आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जिएगा। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन के शपथ लेते ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को दिया है तगड़ा झटका। आपको बता दे कि क्या करी है ड्रैगन ने नई हरकत ट्रंप को लेकर अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और जो बाइडेन की नई सरकार के आते ही चीन ने बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के ठीक बाद और जो बाइडेन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद चीन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 30 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ पाबंदी लगा दी है। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने के कुछ देर बाद ही चीन ने ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत केली क्राफ्ट समेत करीब 30 अधिकारियों पर यात्रा और कारोबारी लेन देन पर पाबंदी लगा डाली है। दोस्तों ऐसे में चाइना की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आता है दोस्तों, लेकिन जो बाइडेन इसमें ट्रंप का साथ देंगे या नहीं दोस्तों, ये देखना लाजमी होगा। ऐसे में जिससे जुड़ी जो भी खबरें होगी हम आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण से अपने ही लोग हो गए घायल। बताते हैं अमेरिका में जब जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे, उससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 के सफल परीक्षण की घोषणा की। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को कहा कि शाहीन 3 तकनीक और वेपन सिस्टम के मामले में आधुनिक है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे लेकर अपने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है दोस्तों, लेकिन मिसाइल का परीक्षण बुधवार को विवादों के घेरे में आ गया। इसका परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान ने किया था दोस्तों। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि शाहीन 3 डेरा बुगती के रिहाइश में आकर गिरी, जिससे कई घर तबाह हो गए और कई लोग जख्मी हो गए। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान आर्मी ने बुधवार को शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल डेरा गाजी खान के राखी इलाके से दागी गई और डेरा बुगती में रिहायशी इलाके में आकर गिर गई। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान हर छोटी सी छोटी चीज पर गर्व करने वाला अपने इस असफलता को छुपाने में लगा था दोस्तों, लेकिन चीजें कहां छुपने वाली है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस खबर को लेकर, इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे आप, जरूर कोई अच्छी नसीहत दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर इमरान खान को। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है WHO में शामिल होने का बड़ा फैसला। बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल होने का निर्णय ले लिया है। श्री बाइडेन ने बुधवार को देश के 46वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद ही उन पूर्व
पूर्वोत्तरी समझौतों को वापस लेने की घोषणा कर डाली, जिसका निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष की शुरुआत में किया था। इससे पहले जुलाई में श्री जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो पहले ही दिन में WHO में शामिल हो जाएंगे और मैं विश्व पटल पर नेतृत्व को बहाल करूंगा। मीडिया के अनुसार इस सप्ताह के अंत में WHO के वार्षिक बैठकों में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति ने देश के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी को सुना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो भारत ने पड़ोसी को मुफ्त में दी कोरोना वैक्सीन, तो पाकिस्तान खरीदने के लिए अब टटोल रहा है जेब। आपको बता दे कि वहां पर कितनी ज्यादा होने वाली है इसकी कीमत। एक तरफ जब भारत की ओर से कई पड़ोसी देशों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है और वहां की सरकारें अपने लोगों को टीका लगवाने में जुट गई है, तो एक पड़ोसी ऐसा भी है जिसे अपनी करतूतों की वजह से ये सहायता हासिल नहीं हो सकी है, तो कंगाली की वजह से वो खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। करतूत और कंगाली से तो आप समझ ही गए होंगे कि बात पाकिस्तान की हो रही है, जिसे आतंकिस्तान और कंगालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत के खिलाफ दिन रात साजिशें रचने और खून खराबे के लिए आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लेकिन वो इन्हें हासिल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों इमरान खान मोदी सरकार से सीधे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, तो प्राइवेट सेक्टर से इसे खरीदने को कहा है, लेकिन अब कीमत सुनकर वो जेब टटोल रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी आयातकों ने पाकिस्तान सरकार को बताया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से तैयार वैक्सीन के प्रति डोज की कीमत $6 से $7 होगी, यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से प्रति डोज करीब ₹1000 की कीमत की होगी। दोस्तों यदि आपको ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं लग रही है तो इससे पहले उस पाकिस्तान की माली हालत के बारे में सोच लीजिए, जिसके विमान को विदेशी जमीन पर कर्ज न चुका पाने की वजह से जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस कंगालिस्तान और आतंकिस्तान को लेकर, अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जाते जाते कह गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आंदोलन रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, बता दें आपको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में कहा है कि उनके प्रशासन ने वही किया जो वो करने सत्ता में आए थे। वो बोले कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो जारी रहेगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 20 मिनट के पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण का वीडियो मंगलवार को व्हाइट हाउस ने यूट्यूब पर जारी किया। तो दोस्तों दरअसल ट्रंप को सभी सोशल मीडिया मंचों ने कैपिटल हिंसा के बाद से प्रतिबंधित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आंदोलन जारी रखने से जुड़े संदेश पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस तरह राष्ट्रपति अपने विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि भले ही वे फिलहाल वॉशिंगटन से जा रहे हों, पर वे अपने राजनीतिक लक्ष्य जारी रखेंगे। इसका मकसद दोबारा सत्ता पाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो भारत से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग में लग गई है दोस्तों भयंकर आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हो गई। आपको बता दें महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं दोस्तों और आग बुझाने का काम जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पुणे के मंजरी में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगी है। 300 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की योजना है। पिछले साल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। दोस्तों मौके पर दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में NDRF की टीम भी वहां जल्द से जल्द पहुंच रही है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो 23 जनवरी को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मोदी जी पराक्रम दिवस समारोह को करेंगे वहां पर संबोधित। बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। इस दौरान वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री असम के शिव सागर में जेरंगा पाथर भी जाएंगे। वहां वे 1.06 लाख भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें आज की। आपको ये सारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह आपको इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट